Today I am here to teach you about plants. So let's start. A plant is a living thing that grows in the earth and has a stem, leaves and roots. पौधा एक जीवित चीज है जो पृथ्वी में बढ़ता है और जिनकी तने, पत्ते और जड़ें होती हैं. Plants surround us. They are big and small. They are useful to us. They give us food, clean air, shelter to animal. मतलब कि हमारे आसपास के पौधे वो बड़े और छोटे होते हैं. वो हमारे लिए जरूरतमंद होते हैं. पौधे हमें खाना, शुद्ध हवा और जानवरों को आश्रय भी देते हैं. Plants are of different types. पौधे कई प्रकार के होते हैं. Big plants are called trees. बड़े पौधों को पेड़ कहते हैं. Trees have a thick stem called trunk. पेड़ों के पास मोटे तने होते हैं जिसे ट्रंक कहा जाता है. Example of trees are mango tree and banyan tree. Shrubs are smaller than trees. Shrubs पेड़ों से छोटे होते हैं. Shrubs have a woody stem. Shrubs के लकड़ी के तने होते हैं. Their branches grow close to the ground. उसकी शाखाएं जमीन के करीब बढ़ती हैं. Example of shrubs are rose plant and hibiscus plant. Small green plants are called herbs. छोटे हरे पौधों को herbs कहते हैं. Herbs have a weak and soft stem. Herbs के कमजोर और मुलायम तने होते हैं. Example of herbs are coriander and mint. Plants with a very weak stem that climb with support are called climbers. पौधे जिनके बहुत ही कमजोर तने होते हैं और जिन्हें चढ़ने के लिए सहारा का जरूरत पड़े उसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं. मनी प्लांट इज अ क्लाइंबर. प्लांट्स विद अ वेरी वीक स्टेम दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. ऐसे पौधे जिनके बहुत ही कमजोर तने होते हैं और जो जमीन पर रेंगते हैं उसे हम क्रीपर्स कहते हैं. एंड वाटरमेलन प्लांट इज अ क्रीपर. प्लांट गिव फूड टू द मैन एंड एनिमल. पौधे इंसानों को और जानवरों को खाना देते हैं. वी गेट ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट. हमें पौधे अनाज, सब्जियां और फल देते हैं. प्लांट गिव अस मेडिसिंस. पौधों से हमें दवाइयां भी मिलती हैं. तुलसी इज अ मेडिसिन. प्लांट्स क्लीन द एयर. पौधे हवा को शुद्ध करते हैं. थैंक यू एवरीवन.